आज हम सीखेंगे कि इस तरह से अलग अलग टाइप्स की पैंट्स कैसे बनानी है। जैसा कि आप देख सकते हो कि स्ट्रेट पैंट, लेगिंग्स, टेपर्ड निकर्स, बैगीज, प्लाजोज, बेल बॉटम, जॉगर्स, हैरम, ये सारी हम एक ही पैंट की कटिंग से कर सकते हैं, यानी कि जो हमारी मेन पैंट की ड्राफ्ट है उसी को रख के हम ये सारी पैंट की कटिंग करना सीखने वाले हैं। ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस करने हैं आपको फैब्रिक पे, वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। द ऑल टाइप्स ऑफ पैंट्स वी हैव टू मेक विथ अवर बेसिक पैंट ड्राफ्टिंग। सो लेट्स लर्न विच विच चेंजेस वी हैव टू डू अकॉर्डिंग टू पैंट पैटर्न। सो स्ट्रेट पैंट, स्ट्रेट पैंट मीन्स लिटिल बिट लूज फ्रॉम बॉटम। सो वी हैव टू टेक बेसिक पैंट ब्लॉक फॉर ऑल पैंट्स। सारे पैंट के लिए ही बेसिक पैंट ब्लॉक लेंगे। स्ट्रेट पैंट के लिए हम यहाँ से, ये हमारी जो सेंटर लाइन होती है नॉ क्रॉच की, उसके सेंट यहाँ से स्ट्रेट मार्क कर देंगे एंड यहाँ से भी हम स्ट्रेट मार्क कर देंगे। मीन्स यू हैव टू एक्सटेंड 1.5 इंचेस फॉर स्ट्रेट पैंट। स्ट्रेट पैंट में ऊपर तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नीचे का ही डिफरेंस है। तो ये हमारी हो गई स्ट्रेट पैंट। क्लियर? आपको फिटेड पैंट बनानी है तो वही रहेगी स्ट्रेट पैंट। क्लियर? स्ट्रेट पैंट का चेंजेस समझ में आ गया। जो हमारी फर्स्ट वाली पैंट है वो स्ट्रेट दिख रही है, जबकि हमारी बेसिक पैंट की ब्लॉक है वो हमने फिटेड बनाई थी, राइट? आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अभी हम इसके बाद सीखेंगे लेगिंग्स। लेगिंग्स में क्या क्या चेंजेस होगा। ये जो टेपर्ड पैंट है वो हमने सीख ली है, जो हमारी सिगरेट पैंट थी उसी को ही हम टेपर्ड पैंट बोलेंगे। इसमें देखो आपको ये अजीब सी पैंट भी दिख रही है जिसका नाम है स्टेरअप पैंट, ये भी हम सीखेंगे। उसके बाद लेगिंग्स। नाउ लेट्स लर्न हाउ टू मेक लेगिंग्स विथ अवर बेसिक पैंट ड्राफ्टिंग। अब हम बेसिक पैंट की कटिंग से ही लेगिंग्स बनाना सीख रहे हैं। तो लेगिंग्स, जैसा कि आप सबको पता है, स्ट्रेचेबल फैब्रिक से बनता है। ठीक है, लेगिंग्स आर मेड फ्रॉम स्ट्रेचेबल फैब्रिक एंड इट्स अ बॉडी फिटेड। लेगिंग्स स्ट्रेचेबल फैब्रिक का बना होता है और बॉडी फिटेड होता है, वो एकदम बॉडी की फिटिंग होती है। तो उसमें भी हम मेन पैंट की कटिंग कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं। चलिए अभी हम लेगिंग्स बनाना सीखेंगे। तो लेगिंग्स में क्या करना है, स्ट्रेचेबल फैब्रिक यूज़ करना है। तो लेगिंग्स में विड्थ वाइज दोनों तरफ से आपको हाफ हाफ इंच कम कर देना। इन लेगिंग्स यू हैव टू मार्क हाफ हाफ इंचेस इन साइड एंड यू हैव टू कट। लेगिंग्स में आधा आधा इंच अंदर की अंदर मार्क करके कट करना है, सिर्फ विड्थ वाइज, ओनली इन विड्थ वाइज। ओके, क्रॉच के वहाँ से आप ना लो तो भी चलेगा, ऐसे कर देना है क्रॉच के वहाँ से। क्रॉच के वहाँ पे हाफ इंच अंदर नहीं जाओगे तो भी चल जाएगा। इन ओनली विड्थ वाइज, नॉट इन द लेंथ। ठीक है, सिर्फ विड्थ वाइज इतना कम कम करना है। सो रेड मार्किंग इज चेंजेस, रेड मार्किंग हमारी चेंजेस है। ठीक है, और यहाँ से कट करना है। लेगिंग्स और एनी टाइप ऑफ स्ट्रेचेबल फिटेड पैंट, लेगिंग्स या और कोई भी स्ट्रेचेबल फिटेड पैंट में आपको यही चेंजेस करना है। ठीक है, अभी टेपर्ड पैंट। टेपर्ड पैंट हमारा बेसिक पैंट का ब्लॉक रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इन टेपर्ड पैंट वी डोंट हैव टू डू एनी चेंजेस। चलो अभी नेक्स्ट। जी, इसमें बहुत अच्छा अच्छा चलो तो स्ट्रेट पैंट हो गई, स्किनी यानी लेगिंग्स भी हो गई। अब देखो, हमें बूट कट पैंट हमने सीख ली है। बूट कट मीन्स बेल बॉटम। बूट कट मीन्स बेल बॉटम पैंट वी हैड ऑलरेडी लर्न। नाउ फ्लेयर पैंट। बूट कट एंड फ्लेयर पैंट विल बी सिमिलर, जस्ट वी हैव टू एक्सटेंड फ्रॉम थाई। फ्लेयर पैंट को हमें थाई से करना है, बूट कट वाली पैंट हमारी नी से फ्लेयर रहेगी। ठीक है, सो बूट कट वाली पैंट में हमारा नी से फ्लेयर है और इसमें थाई से फ्लेयर है। थाई यहाँ पे है, क्रॉच से थोड़ा नीचे। तो यहाँ से जब फ्लेयर जाएगा तो उसको हमें कहें उसको हम कहेंगे फ्लेयर पैंट। कितना फ्लेयर बढ़ाओगे? 3-3 इंचेस, 3-3 इंचेस फ्लेयर बढ़ाना है और थाई से बढ़ाना है। तो ये हो गई फ्लेयर पैंट। अगर आपको पूरी फ्लेयर पैंट बनानी है तो आप ऐसे भी बढ़ा सकते हैं। इन समय पैटर्न देखना और उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। अब नेक्स्ट, वाइड लेग पैंट। वाइड लेग मीन्स हमें यहाँ से पूरी फ्लेयर देनी है।
और पीछे इलास्टिक नहीं चाहिए तो पीछे का भी हमें ध्यान रखना है कि वेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 1 इंच डार्ट एंड 1 इंच इलास्टिक का होना चाहिए। अब वाइड लेग पैंट में हम क्या कर सकते हैं, देखो ये वाइड लेग पैंट आपको दिख रही है, बट इसमें डार्ट नहीं दिख रहा, डार्ट इज नॉट विजिबल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पहले तो डार्ट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, फिर यहाँ से हम पूरा दो पार्ट्स में कट कर देंगे इसको। ये पार्ट वन हो गया कटिंग का, और अभी पार्ट टू काट देंगे। ये दोनों पार्ट्स हमें कट कर देना है, ठीक है, दोनों पार्ट्स कट गए, दोनों पार्ट्स को सेपरेट कर दिया हमने, यानी पैंट में जो आपकी ड्राफ्टिंग है उसको सेपरेट करना है, यू हैव टू सेपरेट बोथ पार्ट। और उसके बाद हमें इस तरह से मैच करना है, डार्ट टू डार्ट हमें मैच करना है, मीन्स आपका जो पेपर कटिंग है उसको आपको कट करके फिर इस तरह डार्ट्स मैच कर देना। तो अभी आप देख सकते हैं कि वाइड लेग जैसा दिख रहा है, तो ये हो गई वाइड लेग। अभी इसमें कुछ इस तरह से हम फ्लेयर ऐड कर देंगे, सेम इन बैक, ठीक है। तो ये वाइड लेग पैंट हो गई, कैसा लगा ये ट्रिक, जस्ट हमने दोनों पार्ट्स को सेपरेट कर दिया और डार्ट्स को मैच कर दिया और ये इस तरह से हो गया, वी हैड कटेड बोथ पार्ट एंड वी हैड मैच्ड विथ डार्ट्स, वी हैड क्लोज द डार्ट एंड देन वी गॉट अ फ्लेयर पैंट, सेम लाइक अ फ्रंट यू हैव टू डू बैक पार्ट, फ्रंट की तरह ही बैक का पार्ट करना है। ये वाली पैंट क्लियर, यानी कि अम्ब्रेला प्लाजो आपको बनाना हो लेकिन आपको ज्यादा फ्लेयर ना चाहिए हो तो आपको ऐसा करना। तो किस तरह से मैंने ये दोनों पार्ट्स अलग किए और फिर दोनों पार्ट को मैच कर दिया डार्ट्स में से, वो क्लियर। चलो अभी नेक्स्ट पैक्ड पैंट। पैक्ड पैंट में क्या दिख रहा है, दो डार्ट्स है, तो हमें बस थोड़ा सा चेंजेस करना होगा और फ्लेयर तो हमारा फिटेड पैंट के जैसा ही है। ये दिख रहा है कि फ्लेयर हमारा फिटेड पैंट के जैसा है और ऊपर दो डार्ट, देखो टू डार्ट्स एंड पैंट फ्लेयर इज द सेम। तो ये हमें कैसे करना है वो हम सीखेंगे अभी। चलो अभी पैक्ड पैंट करनी है हमें, यानी कि टू डार्ट्स एंड फ्लेयर विल बी सेम। वन डार्ट इज ऑलरेडी वी हैव, वन डार्ट जो हमें हमारे पास ऑलरेडी है, तो अभी एक और डार्ट हमें चाहिए तो हम एक्सटेंड कर देंगे, फॉर वन डार्ट वी विल एक्सटेंड 1 inches हियर आल्सो 1 inch। क्रॉच एरिया बेसिक पैंट में सब डिस्कशन हो गया है, अभी हम एडवांस ए वाली पैंट सीख रहे हैं, वो सब हो गया, अभी बेसिक पैंट देखना आप उसके लिए, ठीक है। तो ये पैक्ड पैंट हो गई, मैं नेम चेंज कर लेती हूँ। अब देखो ये सारी पैंट्स हमारी सेम है, देखो फाइव पॉकेट जीन्स, पर्स पैंट्स, कार्गो पैंट्स, इन सब की ड्राफ्टिंग सेम होगी, बस हमें पॉकेट ज़्यादा लगाने हैं। ऑल थ्री ऑफ पैंट्स ड्राफ्टिंग विल बी सेम लाइक अ स्ट्रेट पैंट, ओनली पॉकेट्स हैज चेंज। तो अभी हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सेलर पैंट भी हमारी वाइड लेग पैंट की जैसी है, सेलर पैंट इज सेम लाइक अ वाइड लेग पैंट। स्टीरअप पैंट के बारे में अभी देखते हैं हम। देखो स्टीरअप पैंट क्या होती है वो हम देखेंगे, वैसे तो ये जानने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी स्टीरअप पैंट क्या होती है, फिर भी हम इसके बारे में जानेंगे अभी। वॉट इज स्टीरअप पैंट्स, लेट्स लर्न। देखो स्टीरअप पैंट्स आज के ज़माने में कोई नहीं पहनता है, बट फिर भी वो ज़ारा ये सब के ब्रांड्स में मिलती है।
स्टीरअप पैंट क्या होती है? स्टीरअप पैंट्स पुराने जमाने में लोग पहनते थे। कब पहनते थे वो लोग? जब उन्हें घुड़सवारी करनी होती थी। जब उनको घोड़े पे सवारी करनी होती थी तब वो लोग स्टीरअप पैंट पहनते थे। और स्टीरअप पैंट में ये दो होल दिए हुए हैं, देखो ये दो होल दिए हुए हैं, ये दो होल को पैर में फंसा लेते थे वो लोग, ताकि उनकी जो पैरों की चप्पल है वो निकल ना जाए घुड़सवारी करते हुए, तो ये पैंट में अटकी हुई रहती थी पैरों की चप्पल, ठीक है, इसलिए स्टीरअप पैंट पहनते थे वो लोग घुड़सवारी करते वक्त। तो चलो अभी घुड़सवारी वाली पैंट के बारे में देखते हैं, इसका नाम है स्टीरअप पैंट। दिस टाइप ऑफ पैंट, देखो स्टीरअप पैंट ये इस तरह से होती है, पैरों के नीचे से ऐसे गई हुई रहती है, ये स्टीरअप पैंट होती है। अब इसके अंदर तो यहाँ पे स्ट्रेट बेल्ट लगाया हुआ है, इट्स अ स्टीरअप पैंट एंड इट हैज अ स्ट्रेट बेल्ट, बट वी कैन कट इन पैंट ऑल्सो, वी कैन मेक होल, ये है स्टीरअप पैंट, जैसे कि इसमें होल दिख रहा है। क्या आप लोगों ने आज से पहले ये वाली पैंट देखी? चलो तो स्टीरअप पैंट में इस तरह से आप बेल्ट लगा सकते हो, देखो स्टीरअप पैंट में यहाँ से कहाँ गई वो साइड में से बेल्ट, हाँ यहाँ पे होल कर सकते हैं, फिर नीचे बेल्ट लग जाएगा 2.5 इंच जितना हम ऊपर कर सकते हैं, ये है स्टीरअप पैंट। अब उसके बाद ये तो क्लियर हो गया, जब दो डार्ट बनाना होता है तो किस तरह से हमें फ्लेयर करना है, अगर ज़्यादा प्लीट्स हमें दिखे, डार्ट्स की जगह प्लीट दिखे, तो हमें यहाँ से इंक्रीज करना है। इफ़ यू वॉन्ट अ मोर प्लीटेड हेयर देन यू हैव टू इंक्रीज फ्रॉम बोथ साइड लिटिल बिट। तो इस तरह से देख देख के हमें पैटर्न्स को करना है। अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं शॉर्ट पैंट, शॉर्ट हम लास्ट में करेंगे। अभी स्वेट पैंट, देखो स्वेट पैंट में, स्वेट पैंट जॉगर्स जैसी दिख रही है, हैरम और स्वेट पैंट में क्या डिफरेंस है देखो, यहाँ जूम करो, हैरम और स्वेट पैंट, स्वेट पैंट्स में क्या डिफरेंस है? हैरम में ज़्यादा फ्लेयर करके गैदर ज़्यादा है, और स्वेट पैंट में गैदर कम है। इन स्वेट पैंट देर इज अ नो गैदर, देर इज अ स्मॉल गैदर, एंड इन हैरम पैंट देर इज अ लॉट ऑफ गैदर्स यू कैन सी, सो इट्स अ डिफरेंस इन बोथ ऑफ पैंट। दोनों पैंट में यही डिफरेंस है कि दोनों के गैदर्स में डिफरेंट है। अभी आपको आइडिया होगा कि इसमें हमें कम कपड़ा चाहिए और इसमें ज़्यादा कपड़ा चाहिए। इन दिस वी वॉन्ट मोर फैब्रिक एंड इन दिस वी वॉन्ट लेस, लिटिल बिट लेस फैब्रिक। सो कितना एक्सटेंड करना है वो हम देखते हैं, लेट्स लर्न हाउ मच वी हैव टू एक्सटेंड। तो चलो अभी हमें स्वेट पैंट सीखनी है। स्वेट पैंट में हम क्रॉच के एरिया से कुछ नहीं बढ़ाएंगे, साइड से हम बढ़ाएंगे। सो साइड से हम एक्सटेंड कर सकते हैं 3-3 इंचेस, एक्सटेंड फ्रॉम साइड 3-3 इंचेस फॉर गैदर्स, 3-4 इंचेस एक्सटेंड। साइज बड़ी हो तो 4 इंच एक्सटेंड करें, 3-4 इंच, शेप वही रहेगा, या फिर आप स्ट्रेट भी कर सकते हैं, वी कैन मेक स्ट्रेट शेप। तो ये हमारी हो जाएगी स्वेट पैंट। हैरम में हमें 6-7 इंच कर देना एक्सटेंड, इन हैरम वी कैन एक्सटेंड 6-7 इंच। हैरम में 6-7 इंच बढ़ाना है। प्लाजो, अम्ब्रेला प्लाजो हमने ऑलरेडी सीख लिया है, अम्ब्रेला प्लाजो वी हैड ऑलरेडी लर्न, नाउ हैरम, हैरम भी हो गया, स्वेट एंड हैरम डन। नाउ शॉर्ट पैंट्स,
स्कर्ट हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, हम शॉर्ट्स पैंट सीखेंगे, ठीक है। शॉर्ट्स कैसे बनानी है वो हम देखते हैं। शॉर्ट्स पैंट के लिए पहले आप डिसाइड करोगे कि आपको लेंथ कितनी रखनी है। वी हैव टू डिसाइड लेंथ। सपोज दैट आई वॉन्ट लेंथ 12 इंचेस, ठीक है। अब लेकिन 12 से मैं मार्क करूँगी, 12 प्लस 2 इंचेस मार्जिन। When I will mark, I will get only 1 or 2 inches here. एक से दो इंच यहाँ मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट पैंट का शेप इस तरह से मार्क करेंगे। यहाँ से एटलीस्ट आप 4 इंच लेना है। यू हैव टू टेक 4 इंचेज एटलीस्ट, 4 to 5 विथ मार्जिन। एंड यू हैव टू मार्क इन राउंड शेप, हाउ मच यू वॉन्ट योर शॉर्ट्स लेंथ। यानी कि भले शॉर्ट्स की लेंथ कम हो, हमारा ये पार्ट कम नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे शेप दिख रहा है, You can see the shape here. ठीक है, ये शॉर्ट पैंट हो गई, शॉर्ट पैंट भी हो गई है, जंप सूट और ये दूसरी वाली कारपेंटर पैंट, यानी कि ये इसको क्या कहते हैं, डंगरी। इसका हम हमारे पैंट वेरिएशन से कोई लेना देना नहीं है। सो वी हैड लर्न स्ट्रेट, स्किनी, बूट कट, फ्लेयर, वाइड लेग, पैक्ड, स्टीरम, सेलर पैंट, स्कर्ट, शॉर्ट पैंट्स, स्वेट पैंट्स एंड हैरम पैंट्स। आप सबको ये तरीका कैसा लगा कि एक पैंट की कटिंग को यूज़ करके ही हम सारे पैंट की ड्राफ्टिंग कर सकते हैं? हाउ यू फील अबाउट दिस मेथड?